So today I have made wheat halwa for Tara. It's 11 o'clock. So it's time for your first solid tea. She's ready. पहले देसी घी डालिए कढ़ाई में, उसको थोड़ा गर्म होने दीजिए. उसके बाद उसमें डालिए आटा. आटे को थोड़ा ब्राउन होने दीजिए. आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपने ग्राइंड किए हुए हैं अच्छे से, वो डालिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स. और ये आप अपने 7 मंथ्स के बेबी को दे सकते हैं. तारा 7 मंथ्स की है तो मैं उसको देती हूँ. और उसमें लास्ट में जब ये ब्राउन हो जाए थोड़ा पानी डालिए और एकदम पतला करना है इसको आपको. और उसके बाद आप उसमें जैगरी डालिए, शुगर प्लीज मत डालिए, जैगरी डालिए. तारा को जैगरी बहुत पसंद है तो मुझे हर खाने में थोड़ा डालना पड़ता है जैगरी इसके लिए. गुजराती दूध साइमस से शी लाइक स्वीट. बस उसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़े गांठे हैं या कुछ, तो एक बार मिक्सी में चला दीजिए. हेलो मदर्स, इट्स 11 o'clock. तो आज मैंने बनाया है नाचनी फॉर तारा. मैंने नाचनी लिया पाउडर और नाचनी घी ड्राई फ्रूट्स. इसको पहले हल्का सा करीबन 30 सेकेंड्स मैंने कढ़ाई में गर्म किया और उसके बाद मैंने इसमें जैगरी डाला. जैगरी सबसे लास्ट में डाला इससे जल जाएगी कढ़ाई. और जैसे ही मैंने जैगरी डाला वैसे ही मैंने पानी डाला और उसको 5 to 7 मिनट्स पकाया. और ये मेरा रागी रेडी है. तो अब हम तारा को रागी फीड करेंगे. हेलो तारा.